जो हमने घास लगाई है नेपियर, वो देखिए उसके कितने कल्ले निकले हैं अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कल्ले ये पूरे। में हाइब्रिड नेपियर ग्रास लगाई गई है और बॉर्डर पे लगाई गई है और इस तरीके से कार्य यहाँ पे चल रहा है। पूरी ग्रीनरी है, गर्मी का मौसम आ गया है। गौ सेविकाएँ वहाँ पे चारा काट रही हैं, प्रतिदिन चारा खिलाया जा रहा है। आखिरी खेप चल रहा है, तब तक जब तक कि हमारा ख़त्म होगा तब तक हमारे पास जो है बाजरे की और नेपियर CO2 हमारा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से फुलवारी लगी हुई है और हाइब्रिड नेपियर भी हमारा लगभग कांशे फेंक दिया है और वो गौ सेविकाएँ हमारी लगी हैं जो इस वक्त चारा काट रही हैं और इस तरीके से रोज़ इनको हरे चारे भी दिया जा रहा है। लगभग इस एरिया का पूरा ख़त्म हो गया है, जल्दी हमारे पास में और भी घासें आ जाएंगी। और ये घास इस तरीके से काट के इसका बीज बनाया गया है। ये पूरे हरे चारे हैं, बहुत तेज़ी से हरा चारा उग भी रहा है और कट भी रहा है। हरियाली धीरे धीरे अपना रूप ले रही है और प्राकृतिक रूप से जो सब्जियां यहाँ पे थी वो गौ माता पूरा खा रही हैं। बहुत सारी हरी सब्जियां भी हुई हैं, यहाँ पे फूल भी हुआ है। आज हमने देखा टमाटर वगैरह भी खूब हुआ है, कद्दू लौकी ये सब भी हो रहे हैं और करेली भी सीज़न में हो रही है। तो इस तरीके से सिंचाई और पानी की व्यवस्था बनाते हुए धीरे धीरे यह कार्य आगे बढ़ रही है, कोशिश यात्रा की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे भरपूर हरा चारा हो जाएगा और डायरेक्ट गौ माता को हरा चारा हम लोग भरपेट देने में कामयाब हो जाएंगे। अभी भी कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी हो जा रही है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में टाइम लगता है। साथ में मानव स्वभाव भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। जब आप गौ सेवक चुनते हैं तो निस्वार्थ गौ सेवक तो मिलते नहीं हैं, लेकिन सफाई है हमारी गौशाली की। ये खोल के कहाँ पे रखा है होलोजन? ठंडी वाला अंदर है ना, सुरक्षित है? बोलते सब गोल गोल है।